व्यापार कारोबार यानी बिजनेस में लेन देन तो चलता ही रहता है, इस लेन देन में उतार चढ़ाव भी चलता रहता है। बिजनेस में ऐसी आदर्श स्थिति कभी नहीं आती जब सारे ग्राहक समय पर अपना भुगतान कर दें। यदि ऐसी स्थिति आ जाए तो बिजनेस में ना तो नकदी की समस्या होगी और ना ही अन्य किसी प्रकार की व्यापारिक परेशानी ही होगी। इस तरह के ग्राहकों से हमेशा दुकानदारों को बहुत परेशानी होती है। बिजनेस को लेकर ग्राहकों के बीच संतुलन बनाने में काफी दिमागी कसरत भी करनी होती है। कभी कभी स्थिति तनावपूर्ण भी हो जाती है। इसी तरह के सुस्त ग्राहकों से निपटने और उनसे तेजी से भुगतान पाने के लिए व्यापारियों को क्या क्या करना चाहिए? एक सीमा के बाद सख्त कार्रवाई करें। ये तो सभी जानते हैं कि बिजनेस में ग्राहकों को ही सब कुछ माना जाता है। ग्राहक बिजनेस का आधार है। इसको सही मानते हुए आपको अपने व्यापार की स्थिति और ग्राहकों के रवैये का गंभीरता से आकलन करना चाहिए। पहले पूरी स्थिति का ध्यान पूर्वक विश्लेषण कर लें और उसके बाद ही किसी तरह की सख्त कार्रवाई करने के बारे में विचार करें, क्योंकि धन की वसूली के लिए यदि आप सख्त कदम उठाते हैं तो उसका क्या नतीजा हो सकता है ये आप जानते हैं। अगर नहीं जानते हैं तो आपके हाथ से आपका ग्राहक निकल भी सकता है। यदि इसी तरह के सुस्त भुगतान करने वाले ग्राहकों की संख्या अधिक हो तो इस तरह की सख्त कार्रवाई करने से आपका कारोबार भी प्रभावित हो सकता है। शुरू से ही प्रोफेशनल बने। व्यवसाय चलाने के लिए आप अपने ग्राहकों के साथ पेशेवर रवैया अपनाएंगे तो आपके पास देरी से भुगतान करने वाले ग्राहक आने से बचेंगे। अपने ग्राहकों से अपनी वेबसाइट और सोशल मीडिया के विभिन्न प्लेटफॉर्म से संपर्क करें और समय समय पर त्योहारों और पर्वों की शुभकामनाएं देते रहें। इस तरह की गतिविधियां करते रहने से आपके और ग्राहकों के बीच ऐसे संबंध स्थापित हो जाएंगे और वो भुगतान में देरी करने से परहेज करेंगे। अपने ग्राहकों को पहचाने। आप चूंकि काफी समय से अपने ग्राहकों के साथ काम कर रहे हैं तो आपको अच्छी तरह से मालूम होगा कि कौन सा ग्राहक कैसा है, उसकी आदतें कैसी हैं, वो आपको कितना लाभ पहुंचा रहा है, कौन ग्राहक आपको कितनी हानि पहुंचा रहा है। ऐसे ग्राहक कई तरह के होते हैं जो भुगतान में देरी करते हैं। कुछ ग्राहक होते हैं जिनके समक्ष कोई मजबूरी आ जाती है, वो चाह कर भी आपका भुगतान नहीं कर पाते हैं। ऐसे ग्राहकों के साथ आपको नरमी से बात करनी चाहिए। उनसे भावनात्मक रूप से बात करके उनकी समस्या जानेंगे तो ठीक रहेगा। कुछ ऐसे मनमर्जी वाले ग्राहक होते हैं जिनकी देरी से भुगतान करना ही आदत होती है। ऐसे ग्राहकों के पास पैसे तो होते हैं लेकिन देते नहीं। ऐसे ग्राहकों से एक सीमा तक प्रसन्न करने के लिए बातचीत करनी चाहिए। ग्राहकों को खुश करना भी व्यापार का हिस्सा है, इसमें कोई बुराई नहीं है, लेकिन जब आपके व्यापार को ये बातें नुकसान पहुंचाने लगे तो वहाँ पर इस मामले में सख्त होना जरूरी हो जाता है। कुछ ऐसे रहस्यमयी ग्राहक भी होते हैं जिनका स्वभाव ही नहीं पता चलता है कि वो वास्तव में चाहते क्या हैं। जब आपसे सामान या सेवाएं लेते हैं तब तो बहुत खुश रहते हैं और जब आपने भुगतान मांगना शुरू किया तो वो आपसे नाक भौं सिकोड़ने लगते हैं। ऐसे ग्राहक राजी राजी तो भुगतान नहीं करते हैं, काफी वाद विवाद के बाद कैश में आकर भुगतान करते हैं। वो इस वाद विवाद में बकाया पैसे से कम पैसे का भुगतान कर पीछा छुड़ाने की कोशिश भी करते हैं। ऐसे ग्राहकों को पहचान कर उनसे बहुत सावधानी से अपना पैसा निकाल लेना चाहिए और भविष्य के लिए उनसे सतर्क हो जाना चाहिए। कुछ ऐसे ग्राहक भी होते हैं जो आपके द्वारा दिए गए सामान या सेवाओं का भुगतान करते समय हमेशा खराब या कम क्वालिटी का बताकर उसके पैसे कम कराने की कोशिश करते हैं। इस तरह के ग्राहकों से आपको सावधान रहना होगा। बेहतर तो यही होगा कि जब भी दोबारा ऐसे ग्राहक सामान या सेवाएं लेने की इच्छा जताएं, तो उन्हें शुरू में ही स्पष्ट कर दें कि हमारी ये पॉलिसी है, इसमें कुछ भी घटाया या बढ़ाया नहीं जा सकता। जल्द से जल्द भुगतान के लिए ऑफर की पेशकश करें। अपना पैसा जल्द निकालने के लिए बिजनेसमैन को अपने ग्राहकों को प्रोत्साहित करने के लिए कुछ खास ऑफर की पेशकश करनी चाहिए। इसके लिए बिजनेसमैन को बहुत ही गंभीरता से सोच विचार करना चाहिए। देर से भुगतान को रोकने के लिए आप अपने ग्राहकों को समय से पहले भुगतान करने या निर्धारित समय पर भुगतान करने के लिए अपने प्रॉफिट में से आधा या 1% का ऑफर दे सकते हैं। इसके अलावा त्योहारों के अवसर पर भी खास ऑफर निकालना चाहिए ताकि लोग नई खरीद से पहले अपने पुराने भुगतान को पूरा कर दें। इससे आपका भुगतान जल्दी मिल सकता है। देर से भुगतान पर जुर्माना लगाएं।
आप अपने ग्राहकों से डीलिंग करते समय ही ये बता दें कि एक निश्चित समय या उससे पहले भुगतान करने पर आपको ये छूट या ये सुविधा प्राप्त होगी, लेकिन उसके बाद आपके भुगतान पर इतना समय अधिक होने पर जुर्माना भी लगाया जाएगा। आपको प्रोफेशनलिज्म दिखाते हुए ये स्पष्ट करना चाहिए कि हमारे पास एक समय तक ही पैसे को रोकने की गुंजाइश है और उसके बाद जितनी देरी आप करोगे उतना ही जुर्माना बढ़ता जाएगा। किंतु इस तरह की व्यवस्था लागू करने से पहले आपको अपने बिजनेस और ग्राहकों की स्थिति का भी ध्यान रखना होगा। ऐसा ना हो कि आपके पास ग्राहक कम है और ये व्यवस्था लागू करते ही वो सारे आपके पास से भाग जाएं। ये बात अलग है कि ये व्यवस्था करने से ये दिखाता है कि आप पेशेवर बिजनेसमैन हैं। जो ग्राहक इस बात को समझेंगे वो आपसे सहमत भी होंगे और भुगतान में देरी भी नहीं करेंगे। रिकवरी सॉफ्टवेयर का करें इस्तेमाल, साथ ही भुगतान प्रणाली को अधिक सुलभ बनाएं। कागजी चालानों को प्रिंट करा के उन्हें पोस्ट कराने के पुराने तरीकों को तुरंत त्यागें। आपके इस पुराने तरीके में ग्राहकों को टालने के अनेक बहाने मिल जाते हैं, जैसे कि वो पोस्ट से इनवॉइस न मिलने का बहाना कर सकते हैं, वो इसके लिए पोस्टल विभाग को दोषी बताकर पीछा छुड़ा सकते हैं आदि। तुरंत उधारी वापस पाने और हिसाब किताब बही खाता से छुटकारा पाने के लिए आज के दौर का ऐप यूज करें, जिसमें आप आसानी से अपने ग्राहकों को उधारी वापस देने का रिमाइंडर भेज सकते हैं। साथ ही कब आपने कितना उधार दिया है ये इस ऐप में ऐड कर सकते हैं। इतना ही नहीं, अब आप सीधे एक क्लिक से व्हाट्सएप पर भी रिमाइंडर भेज सकते हैं, तो ना तो अब आपके बही खाता की किताब गुम होगी, ना ही पोस्टल का इंतजार रहेगा और ना ही ग्राहक कोई बहाना बना पाएगा। इससे आपका बिजनेस करने का तरीका भी स्मार्ट बनेगा। आपके बिजनेस का सच्चा साथी।